अगर उस तरीके से देखें तो मीसा भारती तो लगातार पाटलिपुत्रा में दो बार चुनाव हारी है, लालू यादव एक बार हारे हैं, उनकी फैमिली वहां से तीन बार चुनाव हार चुकी है लेकिन चौथी बार भी वहां से लड़ने को तैयार है। सारण में इसी तरीके से राबड़ी देवी चुनाव हारी है, लालू यादव चुनाव हारे हैं, फिर भी वहां से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। बिहार में लगभग 20% के आसपास मुसलमानों की आबादी है तो 20% मुसलमानों को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर मुसलमान चुनाव लड़े कहाँ, वो भी तो इसी बिहार के नागरिक है, इसी बिहार में उनको भी रहना है, इसी राजनीतिक व्यवस्था में उनको भी रहना है, उसकी भी हिस्सेदारी इसी व्यवस्था में बनती है, फिर मुसलमानों के साथ ये दोहरी नीति क्यों की जा रही है। संसद मार्ग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत तेज हो रही है। सभी चुनावी दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। गठबंधन का काम तो पहले ही पूरा हो चुका है, जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में एनडीए का गठबंधन है और उसी तरीके से इंडिया का गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में है। तो बिहार में भी राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दी है, उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने भी सीटों का बंटवारा कर लिया है। लेकिन इस बीच जो कई चीजें हमें समझ में आ रही है, जो राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं, उसे यह समझ में आ रहा है कि जो जातीय गठबंधन है वो पूरी तरीके से इस चुनाव में भी हावी है। जैसा कि देखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा जाति के कई उम्मीदवारों को पहले फेज में कैंडिडेट बनाया है, उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने पुराने कुशवाहा चेहरे को भी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी भी वही कोशिश कर रही है, अति पिछड़ा के वोटों पर जदयू लगातार सेनमारी करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल भी अति पिछड़ा में सिर लगाने की कोशिश में है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो पूरा बेस है वो कहीं ना कहीं यादव वोटों पर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके उम्मीदवारों की जो संभावनाएं हैं, संभावित जो उम्मीदवार है या जिन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, उसमें यादव जाति के उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी जो बात है, जो आश्चर्य करने वाली बात है, वह मुसलमानों को लेकर है। मुसलमान चूंकि अपने आप को कहीं ना कहीं MY में जोड़कर, यानी यादव और मुसलमान जोड़कर, राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को जोड़कर मुसलमान बिहार के देखते हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अभी तक जितने संभावित प्रत्याशी हुए हैं या जिन्हें सिंबल दे दिया गया है, उसमें मुसलमान अपने आप को कहीं भी नहीं पा रहे हैं। बिहार में ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और वहां पर मुसलमानों की दावेदारी हमेशा रही है। सिवान हो, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, ये ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमानों ने पहले से चुनाव लड़ा भी है और जीता भी है। कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चुनाव तो लड़े हैं लेकिन वहां पर जीत हासिल नहीं हुई है। सिवान को अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद यूसुफ साहब कांग्रेस से, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल से और अब्दुल गफूर साहब कांग्रेस के टिकट पर सिवान लोकसभा क्षेत्र से सांसद हुए हैं। वही अगर गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो 1957 में भी यहां पर सैयद महमूद साहब सांसद बने, गफूर साहब 1991 में और 1998 में वहां से सांसद बने। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो पूर्वी चंपारण में भी एक बार सैयद महमूद साहब 1952 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने हैं। बगल में शिवहर लोकसभा क्षेत्र होता है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों की बहुत अच्छी आबादी है, यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के अनवारुल हक चुनाव जीते हैं और उसके बाद शाहिद अली खान को जनता दल यूनाइटेड ने एक बार अपना प्रत्याशी बनाया था। अनवारुल हक वहां से राष्ट्रीय जनता दल से 2014 में भी प्रत्याशी थे और उसके अलावा 2019 में सैयद फैसल अली वहां से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़े और 2,80,000 के आसपास उन्हें वोट आया, जो कि शिवहर के इतिहास में पहली बार कोई मुसलमान उतना वोट लेकर आया था। मधुबनी लोकसभा में कई बार मुसलमान जीते, वहां से कांग्रेस के टिकट पर हन्नान अंसारी, अशफाकुल्ला अंसारी और दो बार शकील अहमद, यानी चार बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से मुसलमान चुनाव जीते हैं। एक बार वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी को राष्ट्रीय जनता दल ने भी उम्मीदवार बनाया था, बहुत कम वोटों की मार्जिन से हार गए थे। अगर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र देखते हैं तो 1989 में शकीलुर रहमान साहब जनता दल के टिकट पर वहां से सांसद बने थे, फिर 1991, 1996, 1998 और 2004 में अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वहां से सांसद हुए। उसके बाद उन्हें 2009 में हार मिली, फिर 2014 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फिर
2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था। अगर फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बेगूसराय में डॉक्टर मुनाजिर हसन रहे हैं 2009 में लोकसभा के सांसद जनता दल यूनाइटेड से, और 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में तनवीर हसन को यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी बनाया था। 2014 में तनवीर हसन लगभग 40-45 हजार की वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में समीकरण थोड़ा बदल गया। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र पहले से हम लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस से लगातार वहां से लोग जीतते आए हैं। तस्लीमुद्दीन साहब भी राष्ट्रीय जनता दल से एक बार जीते हैं, एक बार वहां से सैयद शहनवाज हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से भी मुसलमान दो बार चुनाव जीते हैं, सैयद शहनवाज हुसैन 2006 में और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीते थे सैयद शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अगर उसके बगल में हम जाते हैं तो अररिया लोकसभा क्षेत्र है, अररिया लोकसभा क्षेत्र से लगातार वहां से चुनाव जीते हैं तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार से लोग, 2014 का चुनाव जीते, फिर सरफराज साहब बाई इलेक्शन में वहां से चुनाव जीते, पिछला चुनाव भी वहां राष्ट्रीय जनता दल से 2019 में सरफराज साहब लड़े लेकिन चुनाव हार गए। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र भी है, वहां भी मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन वहां से एक बार जीते थे तस्लीमुद्दीन साहब और उससे पहले एक बार ताहिर साहब लड़े थे, उसके बाद वहां कोई एक्सपेरिमेंट इस तरीके का नहीं हुआ। अगर कटिहार लोकसभा क्षेत्र देखते हैं तो लगातार वहां से मुसलमान चुनाव जीतते आए हैं, मोहम्मद यूनुस सलीम जनता दल के टिकट पर तारिक अनवर 1977 से वहां चुनाव लड़ते आए हैं और उन्हें 77 में तो हार मिली लेकिन 89 के बाद वो लगातार जीते हैं। 2014 तक तारिक अनवर कटिहार लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। तो इस तरीके से पूरा एक क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण अगर देख ले जिसे बेतिया लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है, वहां से भी फैयाजुल आजम साहब एक बार सांसद बने हैं और उसके बाद मुतीउर रहमान साहब दो बार 1998 में और 1999 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वहां से सांसद का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। एक बार प्रोफेसर नसीम साहब भी वहां से लड़े लेकिन हार गए। लेकिन ये सब लोकसभा क्षेत्र ऐसा है, बेतिया लोकसभा क्षेत्र की बनावट ऐसी है कि वहां पर लगभग 4 लाख मुसलमान है, सीहोर लोकसभा में लगभग 4.25 लाख के आसपास मुसलमान है, सीतामढ़ी लोकसभा में भी 4 लाख प्लस मुसलमान है, मधुबनी लोकसभा में 4 लाख से ऊपर मुसलमान है, दरभंगा लोकसभा में भी 4 लाख के आसपास मुसलमान है, कटिहार लोकसभा में तो आधा आधा का मामला है, अररिया में उसी तरीके से आधा का मामला है, किशनगंज में तो 60-65% मुसलमान का वोट है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस बार के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को कोई पूछ नहीं रहा है। जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये तो कभी उम्मीदवार ही मुसलमानों को लोकसभा में नहीं बनाते हैं। अगर 2014 को अगर देख ले तो 2014 में ये लोग अकेले लड़े थे तो बहुत सारे मुसलमानों को इन लोगों ने चुनाव लड़ाया, लेकिन जब 2019 की हम बात कर रहे हैं तो 19 में जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ एक सीट किशनगंज दिया था, जो महमूद अशरफ वहां से चुनाव लड़ते थे वो अब इंतकाल कर गए, तो इस बार भी हो सकता है कि एक ही सीट जनता दल यूनाइटेड दे, बाकी पूरे बिहार में कहीं भी उस गठबंधन से मुसलमान को टिकट नहीं मिल रहा है। तो बाकी रह गया यूपीए जिसे अब इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, तो कांग्रेस की यहां तक सवाल है, तो कांग्रेस एक किशनगंज की सीट देती हुई नजर आ रही है मुसलमानों को, उसके अलावा अभी कांग्रेस का भी गठबंधन का कोई ठिकाना नहीं रह गया, क्योंकि कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहां से तारिक अनवर का टिकट काटकर राष्ट्रीय जनता दल अशफाक करीम को चुनाव लड़ाना चाहती है। तो आखिर राष्ट्रीय जनता दल जिसे सबसे ज्यादा मुसलमान वोट करते हैं वो कितने लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र, दूसरा दरभंगा से अली अशरफ फातमी, दरभंगा या मधुबनी में से कोई एक अली अशरफ फातमी को, और तीसरा कोई एक लोकसभा क्षेत्र अररिया हो सकता है जहां से सरफराज साहब को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पिछली लोकसभा में जो इतने सारे मुसलमान लड़े थे उनका टिकट क्यों काट दिया जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि मुसलमान वहां से नहीं जीत पा रहे हैं। तो भाई पिछले लोकसभा चुनाव को अगर हम देख लेते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी तो आरजेडी का जो गठबंधन था उसमें कांग्रेस भी शामिल थे, 40 में से 39 सीट हार गए, सिर्फ एक ही सीट ये लोग जीते, वो भी मुसलमानों की सीट थी, फिर क्यों सिर्फ मुसलमानों को ही बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर उस तरीके से देखें तो मीसा भारती तो लगातार पाटलिपुत्र में दो बार चुनाव हारी है, लालू यादव एक बार हारे हैं, उनकी फैमिली वहां से 3 बार चुनाव हार चुकी है लेकिन चौथी बार भी वहां से लड़ने को तैयार है। सारण में इसी तरीके से राबड़ी देवी चुनाव हारी है, लालू यादव चुनाव हारे हैं, फिर भी वहां से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको अभी समझने की जरूरत है कि आखिर मुसलमान अपने आप को कहां पा रहा है। जिस तरीके से जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना के बाद
यह मान लिया गया कि बिहार में लगभग 20% के आसपास मुसलमानों की आबादी है, तो 20% मुसलमानों को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मिलना चाहिए, वह जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी मिलना चाहिए, वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी मिलना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से भी मिलना चाहिए, यानी कि 8 लोकसभा क्षेत्र में दोनों गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी मुसलमान बनाए जाने चाहिए उनके आबादी के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सीहोर लोकसभा क्षेत्र में इसी तरीके से मुसलमान लगातार लड़ते थे, लेकिन वहां से अब किसी वैश्य को टिकट देने की बात चल रही है। मधुबनी लोकसभा में चलिए फातमी साहब को दे रहे हैं, दरभंगा में मुसलमानों का टिकट काटकर यादव को देने की बात हो रही है। उसी तरीके से बेतिया लोकसभा के बारे में अगर देख लेते हैं, बेतिया में बहुत ज्यादा मुसलमान है, वहां से किसी पंडित जी या भूमिहार को लड़ाने की बात चल रही है। गोपालगंज तो सुरक्षित सीट हो गया है। रहा सवाल सिवान का, तो सिवान में भी हिना साहब को इस बार चुनाव नहीं लड़ाने की बात हो रही है, वहां से भी किसी टुन्ना पांडे या किसी यादव समाज के लोगों को लड़ाने की बात चल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर मुसलमान चुनाव लड़े कहाँ? वो भी तो इसी बिहार के नागरिक है, इसी बिहार में उनको भी रहना है, इसी राजनीतिक व्यवस्था में उनको भी रहना है, उसकी भी हिस्सेदारी इसी व्यवस्था में बनती है। फिर मुसलमानों के साथ ये दोहरी नीति क्यों की जा रही है? यह सोचने का समय है, यह विचारने का समय है, और आगे की रणनीति कैसी हो इस पर हम सभी लोगों को बैठकर चर्चा करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।